हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल स्नेहा अरविंद कुक बुक में। तो आज हम लोग फिर से बेकिंग करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी बनाना ब्रेड बेक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ना ही हम अंडा यूज़ करने वाले हैं, ना कोई ऑयल, ना क्रीम, ना कंडेंस मिल्क, कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट हमें नहीं चाहिए। सिर्फ घर के थोड़े से सामान से हम ये ब्रेड बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड बनती है। और अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओटीजी नहीं है तो भी आप ये रेसिपी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आप ये रेसिपी कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे करना है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह के कंटेंट के लिए ना चैनल पर भी एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें बेसिकली हम सब कुछ मिक्स करने वाले हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के ये बनाना लिए हैं। अगर आपके बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप 3 भी ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपके ओवर राइप हो चुके हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा पक चुके हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि केला जितना ज़्यादा पका हुआ होता है वो उतना ही ज़्यादा मीठा होता है। इस तरीके से फटाफट से हम इसका छिलका उतार देते हैं और सभी केलों को हम कर लेंगे मैश। तो ये उतार देते हैं फटाफट से हम छिलका, और अब क्या करेंगे कि फटाफट से कर लेंगे इनको मैश। तो मैश करने के लिए ना मैं यहाँ पे फॉक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से फॉक से कर सकते हैं, क्योंकि बनाना तो फॉक से भी इजीली मैश हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करने के लिए मैंने क्या किया, इस तरीके से पोटैटो मैशर से फटाफट मैश कर दिया। आप चाहें ना तो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइन प्योरे बन जाती है, और ब्रेड वगैरह में ना थोड़े से ग्रैनुअल्स आने चाहिए, वो अच्छा टेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैशर का यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये हमारे बनाना हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से मैश। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3/4 कप के अराउंड दही, क्योंकि एग वगैरह हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे घर का बना हुआ नॉर्मल दही है, ये मैंने यहाँ पे 3/4 कप यूज़ किया। देखिए, बेकिंग में ना मेजरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया। तो इस तरीके के मेजरिंग कप मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, और इन्हीं से ही मेज़र करके मैंने यहाँ पे 3/4 कप के अराउंड डाली है चीनी। ये घर की नॉर्मल चीनी है, अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर ब्राउन शुगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ब्राउन शुगर डालेंगे तो वो थोड़ी सी फिर आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राउन शुगर थोड़ी सी कम मीठी होती है। और सभी अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 कप के अराउंड बटर। और ये मेरा सॉल्टेड बटर है, अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और बटर की जगह अगर आप चाहें तो कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मस्टर्ड ऑयल वगैरह या फिर सिसमे ऑयल वगैरह ये यूज़ नहीं करना है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, वो वाले ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप होल व्हीट फ्लार, गेहूं का आटा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने अच्छे से मेज़र करके और लेवल करके लिया है, आप देख सकते हैं। लेवल करना मतलब बिल्कुल ऐसे भर भर के नहीं लेना है, अपने कप को बिल्कुल लेवल करना। अगर आपके पास एक कप वगैरह नहीं है ना, तो आप इस तरीके से कटोरी यूज़ कर सकते हैं अपने घर की कोई भी, उसे भी आप अच्छे तरीके से लेवल करके ले लीजिए। फिर उसी के हिसाब से आपको और इन्ग्रीडियंट्स लेने होंगे, 3/4, 1/4, उसी के हिसाब से ऐड होंगे। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा भी डाला है। देखिए, आप चाहें तो इसे होल व्हीट फ्लार से बना सकते हैं, लेकिन मैदा से ना एक हल्का सा बोल सकते हैं आप स्ट्रचीनेस आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा डाली है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है बनाना ब्रेड में, आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का और बनाना का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सीरियसली आप डाल के देखिएगा, आप खुद पता चल जाएगा। अच्छे तरीके से इनको इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से ना एक तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती है, ऊपर से ना मैदा में और आटे में ना हल्की सी फ्लफीनेस भी आती है। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हमने स्ट्रेन कर लिया, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करना ना, एक तो ब्रेड वगैरह में मैं आपको बता दूं, ओवर मिक्स नहीं करना चाहिए। ओवर मिक्स करने से क्या होता है ना कि हार्डनेस आती है। तो हल्का सा बस इस तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट लगा के, कि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा फेंटना या इस तरीके से करने से ब्रेड बहुत टाइट हो जाती है, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे तरीके से हो गए हैं मिक्स, और ये मिक्स कर दिया हमने। और अब हम लास्ट में ना यहाँ पे ऐड करेंगे चॉकलेट। देखिए, चॉकलेट ना बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे 60% डार्क चॉकलेट यूज़ करी है। बहुत ज़्यादा 90% या 100% वाली नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा कड़ा वाला टेस्ट आ जाएगा, इसलिए नॉर्मल 60% वाली मैंने यहाँ पे ऐड करी है। और सिर्फ एक फ्लेवर के लिए डाली है, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया ये लूफ टिन, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास वो नॉर्मल जो केक वाला टिन आता है आप उसमें बना लीजिएगा, सिर्फ साइज़ में या फिर बोल सकते हैं कि शेप में ही डिफरेंस आता है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
बैटर तो सेम ही है। उसके बाद मैंने नीचे लगाया बटर पेपर और अब अच्छे तरीके से हमारा पूरा बैटर हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। देखिए कुछ लोग ना क्या करते हैं, ये जो नीचे हम बटर पेपर वगैरह लगाते हैं इसके ऊपर भी ऑयल या फिर घी से ग्रीस करते हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बटर पेपर वगैरह यूज़ इसलिए करे जाते हैं ताकि ईजिली डिमोल्ड हो सके। और अच्छे तरीके से डालने के बाद इस तरीके से फ्लैटन करेंगे अपने स्पून से या स्पैचुला से, तो इस तरीके से फटाफट से ऊपर से कर देते हैं लेवल, अच्छे से प्लेन करेंगे और उसके बाद दो तीन बार इस तरीके से टैप करेंगे ताकि कोई एक्स्ट्रा एयर बबल वगैरह हो तो वो निकल जाए। फिर हम गार्निशिंग करेंगे ऊपर वॉलनट से। बनाना ब्रेड में ना वॉलनट का बहुत अच्छा क्रंच आता है, आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स भी डाली है सिर्फ फ्लेवर के लिए, कोई अगर ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट तो टोटली स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कुछ बनाना की स्लाइसेस। देखिए गार्निशिंग ना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमारी ब्रेड को करेंगे बेक। अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं ना तो नीचे नमक की लेयर लगाइए, उसके ऊपर फिर एक मोल्ड रखिए और अपना कंटेनर रख दीजिए उसके ऊपर और फिर ढक के छोड़ दीजिए एक घंटे के लिए। बनाना ब्रेड को बेक होने में एक घंटा कम से कम लग जाता है कढ़ाई में, लेकिन मैं आज अपने माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में करने वाली हूँ। मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है और अब मैं इसको लगाऊंगी 30 मिनट्स के लिए। और 30 मिनट्स बाद ये देखिए आप, मेरी ब्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर ऊपर एक गोल्डन लेयर हल्की सी आ चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है, आप देख सकते हैं हल्का सा क्रंच ऊपर आ गया है। लेकिन अभी ना हम इसको डीमोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि कंटेनर अभी काफ़ी गर्म है और वैसे भी गर्म गर्म ब्रेड को एकदम से डीमोल्ड नहीं करना चाहिए। कम से कम इसको हम आधा घंटे का रेस्ट देंगे और आधा घंटा बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो आधे घंटे बाद ये देखिए हमारी ब्रेड बिल्कुल सेट हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको फटाफट से डीमोल्ड करते हैं। कुछ नहीं करना है डीमोल्ड करने के लिए, डायरेक्टली इसको फ्लिप कर देंगे प्लेट में और ये देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बहुत अच्छे से पक चुकी है। और उसके बाद ये बटर पेपर इस तरीके से इजीली हट जाएगा, आप देखिए ये देखिए कितना स्मूथली निकल चुका है। और अब हम इसको फ्लिप करके कट करते हैं, तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारी ये ब्रेड बन के रेडी होती है। आप ज़रूर से एक बार अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर से बनाइएगा। कैसी लगी ना आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, कोई दिक्कत आती है ना तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए साइड्स में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है, ये देखिए आप ये हमारी ब्राउन ब्रेड। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। तो एक इस तरीके से हम एक लेंगे शार्प सा नाइफ लेंगे और ये देखिए आप, ये हमने एक स्लाइस कट करी और ये देखिए अंदर से कितनी स्मूद है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी बहुत ही टेस्टी। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल भी हमने इसमें थोड़ी सी मैदा डाली, अदरवाइज़ ये होल व्हीट ब्रेड भी है आप कह सकते हैं। और ये देखिए आप ये हमारी बनाना ब्रेड बनके बिल्कुल रेडी है, ये देखिए सुपर स्मूथ बहुत ही फ्लफ़ी बहुत ही डिलीशियस बनती है। ज़रूर से एक बार ये अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू।